हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक नए व्लॉग में। तो अभी हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है वृंदावन, मथुरा और बनारस की तरफ, और हम जा रहे हैं, अभी जस्ट निकले हैं। हम घर से निकले थे कल शाम से और फिर आकर के रुके थे रात, और सुबह 5 बजे हमने की भाई यात्रा शुरू। और फिलहाल हम पहुँचे हैं रेवदर वगैरह, वहाँ तक पहुँचे हैं और सीधा यहाँ कर रहे हैं। अभी यहाँ आकर के थोड़ा मतलब दिन वगैरह चढ़ा है, तो यहाँ से करी हमने व्लॉग की शुरुआत। मेरे साथ है मैं प्रकाश जी और मौसी जी और मेरी बहन और मेरा भाई, इतने जने हम जा रहे हैं। अभी तक प्लान है बनारस और बरसाना और मथुरा, इन जगह पर जाना जहाँ पर कृष्ण और राधा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वहाँ पर जाना। हम रुके थे थोड़ा सा फास्ट टैग लेने के लिए, क्योंकि बार बार जो आएगा तो फिर रोकड़ में कुछ जमेगा नहीं, इसलिए फास्ट टैग लिए रुके हैं। और ये है गाड़ी और बाकी वाला यहाँ पर ले रहे हैं फास्ट टैग। अभी हम रुक चुके हैं थोड़ा सा, एक थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करेंगे यहाँ पर होटल पर। यहाँ पर देखिए हमें अच्छी लोकेशन, ये है भाई पाली सोजत वाली हाईवे है और गाड़ी को हमने कर दिया वहाँ पर पार्क, वहाँ पर यहाँ पर एक अच्छी सिद्धि की होटल और बाकी वाले चल रहे हैं कुछ इस प्रकार। यहाँ हम रुके तो थे सिर्फ नाश्ता करने के लिए, लेकिन फिर मन हुआ कि यहाँ पर खाना खा लेते अच्छे तरीके से और फिर आगे बढ़ते, क्योंकि आगे की यात्रा भूखे पेट होना भाई संभव नहीं है। अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा रुके हैं, जयपुर शहर को हमने पूरा पार कर लिया है, और जयपुर को पार करने के बाद यहाँ पर थोड़ा रुके हैं कुछ नाश्ता वास्ता करने के लिए। और अभी तक सुरेश ने थोड़ी सी गाड़ी चलाई, पहले चला रहे थे प्रकाश जी, अब जयपुर के बाईपास से होकर के अब पूरा जयपुर पार कर लिया है। अब उत्तर प्रदेश में थोड़े ही समय बाद लगभग 200 किलोमीटर बचा है कुल मथुरा। और फास्ट फूड के लिए रुके थे थोड़ा सा, कुछ नाश्ता वास्ता हो जाए, गन्ना जूस पिया, लेकिन पहले थोड़े बाकी वाले कुछ चल रहे। हम रुके हैं एक होटल है वहाँ पर, अभी हम थोड़ा वहाँ से रुके थे थोड़ा पीछे, तो सुरेश चाय पीने लग गया और हम सारे आगे पैदल पैदल चल करके यहाँ पर, क्योंकि भाई थोड़ा सा गाड़ी में बैठे बैठे थक गए तो थोड़ा पैदल चल करके आए। तो अभी हम यहाँ पर रुके, थोड़ा पानी वगैरह पियेंगे। देखिए होटल कैसी, मतलब यहाँ पर कितनी मतलब मस्त तरीके से ये लाइटिंग वगैरह बांस का बना, इसके अंदर लगाए हुए कूलर वगैरह सारी कितनी अच्छी व्यवस्था है। और अभी तक ज़्यादा हम थके नहीं है, बैठे बैठे ऐसे नहीं कि परेशान हो गए और इतना नहीं है, शांत रहा, क्योंकि हम मस्ती करते आए, यानी कि गाने गाते साथ में रहते वगैरह आए, तो इसमें कुछ ज़्यादा परेशान वगैरह हुए नहीं। और बाकी वाले सारे हो रहे फ्रेश वगैरह हो रहे। और भाई साहब जयपुर में इतनी भीड़ है कि हमने एक बाईपास आता है वो ले लिया जयपुर के अंदर, हमें तो थोड़ा काम था लेकिन वहाँ तो गए नहीं। मेरे कुछ ड्रेस वगैरह लेनी थी और जो मेरे पास ये फ़ोन है इसके भी लेना था कवर वगैरह, तो वो भी नहीं ले पाए। लेकिन क्योंकि बाईपास आए तो हमें ट्रैफिक कम मिला, तो हम अभी तक दिन पड़ा है और यहाँ पर हम पहुँच गए आराम से। तभी हम शाम तक मथुरा तक पहुँच जाएंगे तो अच्छा रहेगा। आप ये देख कर बताओगे इस वीडियो की क्वालिटी कैसी आ रही, क्योंकि इसमें फोन थोड़ा अपग्रेड हुआ है। माना अपना इश्क अधूरा, दिल ना इस पे शर्मिंदा है, पूरा होके खत्म हुआ सब, जो है आधा वो ही जिंदा है। तभी हम रुक गए थोड़ा सा वहाँ से, मैं पीछे कोई मतलब वैसे नाश्ता वगैरह कुछ मिला नहीं, तो यहाँ पर मिला है कुछ नाश्ता, तो यहाँ सब अपनी मनपसंद कुछ खा रहे हैं। तो भाई हमने तो पानी पूरी वगैरह ली है और बाकी वाले को हमने तो कर लिया नाश्ता, और हम तीनों ने तो पानी पूरी खाई, और ये दो पता नहीं क्या खा रहे हैं सर। इन बाबा जी के तो मुंह में नहीं जा रहा सुरेश, पूरा मुच्छड़ बना हुआ है तो इसके ये मुंह में फंस नहीं रहा है। अभी हम पहुंच चुके हैं मथुरा, और यहाँ आकर के अभी 10 बजने का है, अभी जाकर के हम पहुंचे। सुबह शुरू होती हमारी यात्रा लगभग 6 बजे और अभी 10 बजने का अभी यहाँ पहुंच गए हैं। वहाँ पर पहुंचे, अभी देखते हैं वहाँ पर क्या व्यवस्था खाना वगैरह की होती है, वहाँ पर चलते हैं। अभी हम रात को आकर के यहाँ रुक गए थे सेवाश्रम में, और अभी जस्ट हम सभी हो गए तैयार, अभी सुबह को लगभग 6:30 हुए और तैयार। अभी थोड़ा मैं लेट हो गए क्योंकि रात हमने भाई साहब लगभग 850 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी, क्योंकि भाई दो जने थे तो बारी बारी चला रहे थे, तो इसमें कोई समस्या आने वाली नहीं थी। तो हमने इतनी दूरी तय कर ली और बनारस पहुंच गए हैं, और अभी जाएंगे यहाँ पर, हमने एक लिस्ट ले ली है लंबी, और यहाँ सेवाश्रम से यहाँ पर फिर हम बारी बारी से शुरू करेंगे प्रत्येक मंदिर से, कि भाई पहले कौन सा मंदिर फिर कौन सा, ये सारे मतलब एक प्लानिंग बना करके उसके तहत करेंगे, ताकि क्या हो गया मतलब सारे मंदिर के दर्शन हो जाए और एक भी मंदिर पीछे ना छूटे। अब बाकी वाले कर रहे हैं बारी बारी से स्नान, और मैं आ गया यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ का वातावरण देखने के लिए। भाई यहाँ का वातावरण में एक अलग ही सुकून है, क्योंकि साक्षात राधा रानी जी के कृष्ण कन्हैया मुरारी के दरबार में आ गए हम, तो एक सुकून सा मिलता हमें यहाँ पर आकर। मेरी खामोशी से बातें चुन लेना।
और अभी तो मेरे थोड़ी ज़्यादा मतलब मौज बढ़ गई है क्योंकि ये क्वालिटी आप देख रहे हो थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो चुकी है, क्योंकि मेरे पास अभी फ़ोन थोड़ा अपग्रेड कर लिया है ये कि व्लॉग बनाने के लिए आईफोन 15 प्रो मैक्स, तो इससे आपको बढ़िया क्वालिटी मिलेगी, बढ़िया वॉइस भी मिलेगी, सब बढ़िया होगा, मतलब सब ये राधा रानी की कृपा से अपने आप ही हो गया। भाई ऐसा कुछ प्लान था नहीं कि भाई इस वीडियो बनाएंगे इस फ़ोन से, लेकिन इस फ़ोन से अपने आप मिल गया और बन ही जा रहे हैं। दर्शन करने के लिए सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं राधा रमन जी के मंदिर, लेकिन भाई साहब वो मंदिर तब तक खुला ही नहीं था, तो हमने वहां पर सिर्फ तिलक लगवाया और फिर वहां से आगे वापस, और अभी हम जा रहे हैं एक और मंदिर की तरफ। अभी हम पहुंच चुके हैं निधि वन के अंदर, और यहां पर भाई साहब जितनी मतलब कृष्ण और राधा ये सखी वगैरह सहेली वगैरह सब यहाँ पर रासलीला वगैरह करते थे, तो यहाँ पर हमने अच्छे से सारे वगैरह दर्शन करते, इतना सुकून मिल रहा है यहाँ पर ना, क्या ही बताए आपको। अभी हम निधि वन से निकल करके आगे हैं गोपीनाथ मंदिर, ये मतलब चैतन्य जो महाप्रभु थे उनके और भगवान जो कृष्ण थे उनको एक बार दर्शन दिए थे, उसके बाद उन्होंने कहा था कि भाई कोई अलग नहीं मतलब एक ही है, तो ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। अभी पहुंच गए, अभी हमने कर ले यहाँ से अच्छे से दर्शन। यहाँ पर ना मतलब यहाँ की एक एक गलियों में एक एक मंदिर में इतना इतना सुकून है कि यहाँ पर मात्र चलने मात्र से ही, मंदिर के दर्शन तो बाद में, सिर्फ चलने मात्र से इतना सुकून मिलता है यहाँ की गलियों को देख करके, और इतनी शांति शांति प्रदान होती है। ये पता नहीं हम कहाँ पहुँच गए, अभी गौशाला के अंदर कैसे छोटे छोटे गैया। अभी हम हैं दामोदर जी के मंदिर में, राधा दामोदर जी मंदिर है। यहाँ पर ऐसा कहा गया कि भाई भगवान जी की जब मतलब शादी वगैरह हुई थी, मतलब सात फेरे वगैरह लिए गए थे ना, तो उनके बाद में यहाँ पर आकर के पूजा अर्चना वगैरह की गई। मतलब गिरिराज जी थे, उनकी मतलब परिक्रमा करनी थी, तो उनके उपलक्ष्य में एक पांव था, उनके पांव का निशान अभी तक यहाँ पर है, तो उसकी वगैरह पूजा की जाती है। अभी हम वहाँ से आगे हैं मंदिर से, और अभी हमें सेवा कुंज में यहाँ पर आके इतना सुकून और ठंडी जगह है यहाँ पर ऐसे मतलब मन करता है जहाँ पर भी मंदिर जाए यहाँ पर कि भाई अभी वापस आगे नहीं जाकर के यहाँ पर रुक जाए, वैसे यहाँ पर मतलब स्टे करे और यहाँ पर कुछ समय बिताए, तो थोड़ा सुकून का पल ज़्यादा मिलता है। यहाँ पर एक 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 चीज़ सुकून देने वाली है, और सबसे ज़्यादा खतरा है इनका, इन बंदरों का, ये फ़ोन लेकर के कुछ भी चीज़ हाथ में लेकर के भाग जाते हैं। सेवा कुंड के अंदर जब हम घूम रहे थे तो हमने देखा कि बंदर थे वो किसी चीज़ के लिए तरस रहे थे, सुरेश ने इन्हें पानी पिलाने की कोशिश की, तो छोटे बच्चों ने तो भाई पानी पी लिया, लेकिन भाई इन बड़े वालों बंदरों को देखो, ये तो पता नहीं किसी के भाई पर्स लेकर के भागे, वो भी पैसों से भरा हुआ, और फिर ये किसी भी कुछ भी कर लो वापस देने को तैयार ही नहीं होते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, तो जल्दी मिलते हैं हमें अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।